सो भाइयों, ये वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कृष्णा के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद तुमने ना कभी सुने होंगे ना देखे होंगे। सो कृष्णा का फर्स्ट एंड फॉरमर स्टेज नेम यंग फ्रॉस्टबैक था, जो कि काफी डिफिकल्ट था साउंड करने में। तभी कृष्णा ने अपने रियल नेम कृष्णा से मैच करते हुए एक स्टेज नेम डिसाइड करा, जो कि फाइनली है कृष्णा। बीफ की बात हो और कृष्णा का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो जैसे कि तुम सभी जानते हो, सबसे फेमस बीफ रही थी एमिवे बंटाई एंड कृष्णा की। सेकेंड बीफ जो एक लिरिकल बीफ कही गई थी, जो कि मुफाड़ और कृष्णा की थी। सो ये जो थर्ड नंबर की बीफ है, इसके बारे में तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया। सो जब कृष्णा ने कलमकार के साथ मिलकर एमिवे बंटाई को फाइनली डिस किया था, उसी दौरान ग्रेटर नोएडा से एक सो कॉल्ड बियर्ड गैंग ने कृष्णा के डीएम्स में डिस के बारे में बहुत सारी चीजें मेंशन करी। उसी दौरान कृष्णा ने उसी चीज को रिप्लाई लेते हुए डिसाइड किया कि वो सो कॉल्ड इंटरनेट गैंगस्टर से मीटअप रखेंगे परी चौक में, इस मैटर को क्लोज करेंगे। पर एट दैट टाइम वहां उस जगह कोई नहीं आया एंड ये मैटर क्लोज हो गया। तो क्या तुम लोग ने कभी सोचा कि कृष्णा और रफ्तार की दोस्ती कैसे हुई, या जो कलमकार लेबल है वो कैसे बना? नहीं, तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। 2016 में कृष्णा का एक ट्रैक आया था व्यंजन, जो कि रफ्तार ने सुना एंड रफ्तार को बहुत पसंद आया। सो उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश करी इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू कृष्णा को, पर उस दौरान कृष्णा इंस्टाग्राम हैंडल पे इतने एक्टिव नहीं रहते थे। सो उन्होंने कंसल्ट करा अपने फ्रेंड अंकित खन्ना को, जो कि CEO है AK प्रोजेक्ट्स के। सो रफ्तार एंड अंकित खन्ना ने डिसाइड करा कि वो इस रैपर से जरूर मिलना चाहेंगे। बट कोइंसिडेंटली उसी दिन अंकित की जो सिस्टर थी उनकी डिलीवरी थी एंड वो सीधे हॉस्पिटल की ओर रश करे एंड उसी दौरान वहां पर कृष्णा मिले। सो रफ्तार, कृष्णा एंड अंकित खन्ना ने मिलकर कलमकार लेबल फाइंड आउट किया। सो कृष्णा ने 2020 में एक ट्वीट करा था IPL के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि उनका जो ट्रैक है देख कौन आया वापस कॉपी करा गया है, आएंगे हम वापस IPL की जो थीम थी 2020 में। एंड इस चीज के बारे में ना उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, ना उनको बताया गया, ना ही कोई क्रेडिट्स दिए। एंड इस मैटर को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि वो इस चीज पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे और ये मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। सो कृष्णा ने 14 साल की उम्र में ही रैप करना चालू कर दिया था एंड इवन उन्होंने अपना जो फर्स्ट वर्स या फर्स्ट लिरिक्स जो है वो एक टिश्यू पेपर पर लिखा था, जो कि क्वाइट सरप्राइजिंग है। सो भाई, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।